प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क चुनावी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा जिला पंचायत के वार्ड नंबर 26 में भी दिखाई दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दावेदारी पेश करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष और गुड्डू चौहान लगातार जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने बारे में भी जनता को बता रहे हैं। बेहद नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाले गुड्डू चौहान का अंदाज किस तरीके का है, यह इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि चाहे नौजवान हो या वृद्ध हो, सभी के दिल में मनीष उर्फ गुड्डू चौहान के लिए कितना प्यार है। वहीं बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है कि सफलता के मार्ग पर विजय प्राप्त करोगे। खरपुरी निवासी मनीष चौहान ने अब तक 70 से 80 गांवों का भ्रमण किया है और भ्रमण के दौरान नतीजा यह साबित हुआ है कि लोगों की हार्दिक इच्छा है कि उन्हें जिला पंचायत सदस्य चुना जाए। यहां से अभी निकलेंगे कुबेरपुर के लिए, उसके बाद संजय वो का नाम कीरतपुर है, सुजानपुरा है, परगमा है, मतलब यही परगमा का मौजा में जो गांव रह गए हमारे वो पूरे कर लेने हैं। गांव में पब्लिक बहुत खुश है हमारे पहुंचने से, क्योंकि मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं और अब की बार तो पब्लिक हमारी वजह से बहुत खुश है कि आप आ गए, एक मौका मिल गया मुझे। जिस तरह सबका व्यवहार देखा गया कि बहुत ही अच्छा है आपका व्यवहार, और गांव वाले भी इसको क्या देख रहे हैं, इस तरह से आपका व्यवहार? नहीं, केवल व्यवहार पे ही वोट मिलेगा, मतलब पार्टी का तो है ही, व्यवहार पे भी जाता है। पार्टी से वोट बंधा होता है लेकिन कुछ व्यवहार पे भी बंधा होता है, व्यवहार पे ही वोट मिलता है। अब तक आपने कितने गाँव में जनसभा कर ली होगी? अभी तक हम करीब 80-90 गांव घूम चुके हैं। सभी में लोग? हाँ, हमारे लिए हर वर्ग में समर्थन।